एक घस के चला गया बंदा। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग रियली लाउड। घाट पे 45 मिनट्स का होल्ड अप, दो बार गिरी है, इतनी हैवी लगी भर गया था। ये देखो है जिसका पैर जला है, इसलिए मैं ज्यादा करके सोलो राइडर। इस बार मैं गलती नहीं करूंगा, मैंने ले ली है मेरी कॉफी और थोड़ा बनाना भी खा लेता हूँ। ये है आखिरी कचरा क्लियर अप। ओके सो बूट्स थोड़े डर्टी है मेरे, बाकी एंड चीज ले ली है। हार्ड पैनल्स का ये फायदा है, एंड में जो जो डंप करना है आप कर सकते हो। विद दैट सेड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी जनता जनार्दन। हम निकल रहे हैं गोवा की तरफ, बारिश के आसार दिख रहे हैं, सो रेनवेयर ले लिया गया है। एमटी का गोब्लिन SV4 की पूरी तैयारी हो चुकी है। यस, मेरा फोर्ड स्पोर्ट का कम्युनिकेशन डिवाइस भी लग चुका है। ये हेलमेट बहुत सही है, इसका साउंड प्रूफिंग भी बहुत अच्छा है, सो द ऑडियो इज रियली नाइस। अब सवाल ये है कि क्या ये सारी चीज़ें 29 लीटर पैनियर बॉक्स में मोटो आईओए में फिट होता है। अगर ये आ गया, आई डोंट नीड एनी अदर बैग। राइडिंग पैंट्स विथ नी गार्ड्स, लेवल 2 प्रोटेक्टर, जैकेट आप लोग को दिख ही जाएगा। ऑल सेट टू लीव, अब सीधा चलते हैं मोटरसाइकिल पे। ओके, वाइजर देख के तो समझ ही होंगे। नाउ 5:23, करमबोली में मैकडॉनल्ड्स 6 बजे खुलता है, तो आधा घंटा वेस्ट करके फायदा नहीं है, मैं आगे जा रहा हूँ। ऑलरेडी वेरी डर्टी, मज़ा तो आ रहा है अब तक, कोई टेंशन नहीं है, नो स्ट्रेस, स्ट्रेस फ्री राइड। अब आई थिंक नेक्स्ट शॉट मैं सीधा पुणे में ही लेता हूँ। क्या आगे है बारिश, इसीलिए सारा रेन वेयर वापस पहन रहा हूँ। राइट, सीधा ब्रेक पुणे में ही लेंगे ब्रेकफास्ट के लिए। बहुत अंधेरा है, पिच डार्क, बारिश से ज़्यादा ट्रक का पूरा छींटा उड़ रहा है ना, वो बहुत है। आई शो यू हाउ डार्क इट इज। बाइक पूरी धुल गई है अपने आप बिकॉज इट्स रेनिंग, और माइक लगा नहीं पा रहा हूँ इसलिए ऐसे ब्लॉग कर रहा हूँ। नहीं पा रहा था बट थोड़ा ब्राइट हुआ है। बाइक इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस। यस, ब्लिंकर्स आर ऑन। एक बंदा मेरे को बोलता है थैंक यू आपने ब्लिंकर्स ऑन रखे, फॉग में मैं देख पा रहा हूँ, बिकॉज आप आगे देखोगे ना कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर कामच खुला होगा मैं कामच पे बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट खाऊंगा। आ गया अपना फेमस वड़ा एट कामत, ब्रेकफास्ट लुक्स गुड। ये पूना से फिर रपर अप रपर अप, टिश्यू पेपर से पूरा कर दिया वाइजर एकदम क्लीन। बारिश थोड़ी रुकी है, एक हो जाए बढ़िया गर्म चाय। और ये जो दिख रहा है आप लोग को, टेंशन नहीं है, नए ग्लव्स है तो कलर छोड़ रहा है। कोशिश कर रहा था इस पर रखने के लिए, रखा मैंने, कोई इशू तो नहीं हुआ। एंड बाइक की स्टेटस दिखा देता हूँ। सो अब यहाँ जा रहा हूँ वॉशरूम यूज़ करने के लिए। बारिश रुक गई, सारा फटीक पूना तक मेरा वहीं तक कार निकल गई, बिकॉज आई वॉज कम्प्लीटली ड्रेंच्ड। स्लो चला रहे हैं, ट्रक में देख देख के, फॉग में देख देख के, हैंड्स आर लाइक दिस। यू नो व्हाट्स द वर्स्ट थिंग, आई जस्ट रिमूव्ड माई रेनवेयर एंड आई वॉज लाइक सूरज देव का प्रकट हो गया, आई एम हैप्पी। बढ़िया देखो मौसम फिर से बदल गया है। अभी एक्सीडेंट होते होते बचा, एक स्विफ्ट डिज़ायर वाला था, बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ इंसान, उसने मेरे पैनियर्स को जज ही नहीं किया। वहाँ अभी घाट वहाँ पे ख़त्म हुआ है, बिकॉज आई एम हेडिंग टूवर्ड्स सतारा, और लिटरली ही जस्ट बम्प्ड एंड उसको लाइन ऑफ कंट्रोल ही समझ नहीं आया, और मैं लेफ्ट साइड पर था। लुक एट दिस, चला गया बंदा, ये घस दिया पूरा। एंड मैं उसको रोक रहा हूँ, रुक ही नहीं रहा है, ही इज़ जस्ट अवॉइडिंग मी, एंड आई एम लाइक उसके सामने भी आ गया मैं भगा के, घबरा गया। टूरिस्ट व्हीकल थी, स्टूपिड, रियली स्टूपिड, दिमाग ख़राब कर दिया पूरा। कॉफ़ी डे पे जहाँ मैं कॉफ़ी पी रहा था वहाँ बहुत बारिश चालू हुई थी, बट आई गॉट पर्पसली वेट बिकॉज मैंने गूगल पे देख लिया था कि इस साइड देर इज़ नो रेन्स और बहुत गर्मी होने वाली है, बिकॉज बज गए हैं 10:24। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, कोल्हापुर पहुँच चुके हैं। ये होटल देखा होगा, पिछले बार भी मैंने यहीं खाया था, सो मैं थाली खाऊंगा अभी। एंड यू वोंट बिलीव, 191 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप राइड किया है। सुसु भी आ रही थी, रोक के रखा था।
बट बाइक की हालत देख लो, बहुत बुरी है भाई। थाली मिलेगा ना अंदर? बेस्ट पार्ट अबाउट दीज कैफेज ना, यू योर बाइक इज लिटरली नेक्स्ट टू यू, सो यू आर सॉर्टेड। अप करा दिया बिकॉज आफ्टर क्रॉसिंग नेपानी, बेसिकली हम नेपानी से जस्ट से 15-20 मिनट दूरी है। कपल ऑफ सब्सक्राइबर्स हु हैड मैसेज मी के ब्रो इफ़ यू आर दिस साइड प्लीज़ मीट। और देखो फुल टैंक कर दिया है, 2000 तो अपना क्रॉस हो चुका है। गोवा में 1000-1500 और पकड़ लो, क्योंकि गोवा में मैं काफ़ी चलाने वाला हूँ। फ़ोन अपनी जगह, हाँ हर जगह निकलने से पहले अपना सामान चेक कर लेने का। ओके सो 15 मिनट बाद अपना निपानी का स्टॉप है, जहाँ पे एक बंदा है अपने को मिलना चाहता है। इज़ अ बिग टाइम फॉलोअर एंड कल भी पहुँच गया था उधर, बुरा लगा मुझे। मैंने उससे कहा था इल बी टुडे 14th, कल पहुँच गया गलती से। एंड गेस हुम आई सॉ, आई कांट बिलीव, आर यू सीरियस? You're done with Goa or you're coming to Goa? Okay, guess whom did I see here? Just randomly sitting here. I think I have him on my action camera also. Yeah, pretty good man. Nice to catch up, bro. On this. Finally, I meet you. Sorry for yesterday, bro. What's up? Hi, sir. शक्ल तो दिख नहीं रहा वैसे। अच्छा व्लॉगिंग? हाँ। ओह, व्लॉग चालू है, क्या बात है, क्या बात है। No worries. Okay, so these guys also have a sick bike. And Tanveer is here. I'm so happy that he was here. And my beast, and check this out, क्या हो रहा है यार, इंटरसेप्टर पे इंटरसेप्टर देखने मिल रही है, मेरा दिल एकदम, oh this is looking sick, huh? Nice, nice, nice. You guys came from Belgaum, na? No, Lipani. अच्छा Lipani. From Lipani, from Chikodi. Chikodi. We met in Goa. थ्रू दिखता है आपको नीचे? नहीं ना, वही यार, ट्रांसपेरेंट इज, बट एनी वेज लुक्स गुड। एंड भाई बंतु, ये तो बाइक पहचानी हुई है बिकॉज भाई साहब मेरे को 2-3 बार मिल चुके हैं। ही मेट मी इन राइडरमेनिया ऑल्सो। एंड Tanveer is showing off his chrome, shining chrome. And yeah, this is a lineup and there are a couple of more bikes coming. Apni Tanveer is heading back Kolhapur. So thanks a lot for coming. Ye apni bahut simple hai, par ye Harley Davidson wale late hi aate hain. Special entry marne ke liye, special entry. Dekho, special entry mari hai. Ha? Show his bike. Exhaust is crazy. Kafi chalai hai ye wali maine. Na bhi SS Motocop logo ko bahut pasand aaya. SS Motocop सौरभ, ये केक काट दिया गाइस, इन लोगों ने मुझसे केक कटवा दिया, केक बाइक पे शिट आने वाला है। वी मैन एंड राइडिंग क्लब, अरे सही बैच भी मिल गया मुझे यार, फ्रॉम द होल गैंग कोडी ब्रदरहुड राइडर्स, राइट? एंड ही गॉट मी स्वीट, सो मच मैन। चलो अभी गोका करा दंत, आई हैव नेवर हैड दिस, कभी खाया नहीं है मैंने, चलो ट्राई करेंगे। वाओ, फिर हम बाद में डिस्टर्ब करूंगा तुम लोगों को बार बार। बस दे आर हियर, ये तो प्रॉपर मीटअप हो गया, सीधा लाइनअप। अब बहुत अच्छा लगा इन लोगों को मिलके, एंड सबके चेहरे मुझे अभी भी याद है, सो ये बहुत अच्छा लगा। एंड हाली बॉय अपनी भी दुई नाली, साउंड इज गुड ना? चलो सी यू गाइस। बट बहुत अच्छा लगा यार ऐसे दोस्तों को मिलके, मतलब क्या फीलिंग है यार, मतलब लिटरली मुझे याद है लाइक पिछले साल हम मिले थे गराज कैफे पे, हमने इतनी बातचीत की थी। आई मीन क्या बंदे हैं, सब दिल के खुश बंदे हैं, सबके चेहरे पे स्माइल, मज़ा आ गया यार, मतलब क्या बोलूँ यार, छोटी फैमिली अपनी, ज़्यादा नहीं है पर अच्छी है ना।
जो मेरा डीजे है एक्शन 3 का साइड विंडो है जो माइक के पास रहता है जो वाटरप्रूफिंग करता है वो निकल के गिर गया है। मिलना बहुत मुश्किल है। शिट, वो इतना छोटा है कहाँ से मिलेगा, यहीं कहीं गिरा है। ये नुकसान हो गया यार, अब मैं इसको समुद्र या पूल में नहीं ले जा पाऊँगा अनलेस आई फाइंड अ लिड, और वो लिड नहीं मिलता है सिर्फ। शिट यार, शिट शिट शिट। तो शुरुआत हो गई, एक तो छोटा एक्सीडेंट हो गया और अब ये भी घूम गया, और अपनी बाइक कुछ ऐसी दिख रही है, सोचा एक फ़ोटो हो जाए। यस सर, अम्बोली घाट हो चुका है ख़त्म। अम्बोली घाट पे 45 मिनट्स का होल्ड अप, पता है किस लिए? वाटरफॉल। 2000 लोग, 11-15 बसेस, एवरीथिंग जैम्ड। आई एम लाइक ये हो क्या रहा है। स्टिल 1 hour 15 मिनट्स अवे फ्रॉम अंजुना। तो अब लगाते हैं इसको GPS माउंट पे। ये जो खूबसूरती दिख रही है आपको बहुत अच्छी है राइट, और ये देखो ये है गोवा का हाल। गोवा और लद्दाख में अब कुछ फर्क नहीं रहा, बट लुक एट दिस, इज़न्ट दिस वर्थ इट। आई जस्ट पार्क्ड इन एंड टू बाउंसर्स केम टू हिट मी, ओके। आई वाज स्केयर्ड एंड अ बियर्डेड गाय गन्स एंड लाइक हे हाउ इज दिस बाइक डूइंग, एंड देन ही सेज राइड विद राज। लुक एट दिस गाइस मैन, हु वुडंट गेट स्केयर्ड ऑफ दिस गाय, लुक एट हिम, लुक एट दिस गाय, एंड ही कम्स लाइक दिस, ही लाइक हे हाउ इज द बाइक डूइंग। Okay, so good family from Bangalore here already giving me all the news. Goa's packed as hell. जब गोवा एंट्री आया, इट शोड मी 1 hour. I was like, 1 hour? I am just 20 minutes away. वो 1 hour भी आप लोग बिलीव नहीं करोगे, आई एम क्रॉसिंग डिस्टेंस और 1 hour हो रहा है 1 hour 20 minute, 1 hour 30 minute. And I'm crossing distance, I'm like, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज पूरा गोवा पैक्ड है, पैक्ड। राइडर्स की लाइफ ऐसे ही खत्म नहीं होती, डिटर्जेंट भी लेके आया हूँ, 7-8 दिन बाद वापस पहने, एकदम चकाचक होना चाहिए राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट, बाइक इतनी गंदी है ना, गुड मॉर्निंग, स्वागत करते हैं आपको नए व्लॉग पे। आई साउंड सो स्मैश्ड आउट, क्या सोया हूं मैं। हॉल का एरिया एक 1 BHK है। कॉफी इस बार मैं नहीं भूला हूँ। पहली चीज, सबसे पहले एज अ राइडर मैंने क्या किया, सब कुछ वॉश कर दिया, और ये जैकेट क्या बोलूं यार, रॉयल एनफील्ड ने क्या बनाया है, एंड ड्राई भी हो गया फट से, शूज ड्राई होने को टाइम लगेगा। और ऐसा कुछ है अपना नज़ारा यहाँ पे, वेलकम टू गोवा गाइस। एंड वैगेटा रोड का जो मापुसा और अंजुना रोड का जो एरिया है वो है, और यहाँ शाम को काफ़ी हल्ला गुल्ला होता है, यहाँ पे नीचे भी सब रेस्टोरेंट्स है, सो इट्स प्रीटी गुड। वैगेटा और यहाँ से सिर्फ 10 मिनट है। सो ये वॉशरूम्स है बेसिकली, एक एरिया है, एंड देन दिस इज द रूम, और यहाँ से भी सेम ही व्यू है, यू कैन सी दैट। दूसरे पूल में जाने वाला हूँ मैं आज स्विमिंग, कैसे भी ये पूल में काम चल रहा है। तो कुछ ऐसा हाल है अपनी बाइक का, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई बाइक धोने वाला भी नहीं है। ओके, तो मेरे जो बाकी के फ्रेंड्स हैं ना वो इतने बेकार हैं, दे आर स्लीपिंग एंड फ्लाइट से आए हैं वो लोग, एंड दे लाइक तू बाइक पे और तू निकल रहा है, तो हम लोग निकल रहे हैं। आई एम जॉइनिंग माई फ्रेंड, व्हाट्सअप से हाय। एंड बाइक पहले धुलवाने की कोशिश, उसके बाद बीच सनब्लॉक लगा दिया है फुल सेट, हेलमेट भी ले लिया है। ओके, वैगेटा में आपका स्वागत है। मैं अभी जस्ट अपनी मोटरसाइकिल वॉश पे दी है, और वहाँ पे इतनी बड़ी लाइन लगी, यहाँ पे वॉशिंग का बहुत सीन है, तो उसने कहा 1 hour लगेगा, तो मैं बाइक छोड़ के आया हूँ। वॉक्ड 850 मीटर्स गर्मी में, एंड गैंग इज़ हियर, व्हाट, अरे वॉग इज हियर, हमारा एक पुराना फ्रेंड भी मिल गया हमें, या इट इज हिम, इट इज हिम। चलो वी गोना गो टू मैंगो ट्री, आवर रिचुअल, वॉग वॉग, एंड आते हैं यहाँ पे, पुराने फ्रेंड्स मिल गए, सब थोड़ा यहाँ चिल करेंगे, 1 hour में बाइक पिकअप करेंगे, और फिर वहाँ से अंजुना बीच, एंड कीप सीइंग द एक्शन। सो वॉग इज विद मी, ही इज टेकिंग मी ऑन स्कूटी। ओ इजी इजी ब्रो, बाय, आई विल सी यू। ओ शिट, गो इजी। ओके, तो देखो आप समझ रहे हो ना क्या हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे गोवा में काउज ही काउज आपको बहुत गाय दिखेंगे, देखो। एंड क्विकली आपको
कौन बोलता है गोवा अगस्त में बंद है, हाँ पैक्ड है पैक्ड। ओए ओए ये हुई ना बात, भाई का चमकाया यार। वैगन तौर पे आओगे तो बाइक चमक जाएगी, भाई ने मेहनत की है। 200 रुपीज़ में देखो आप, शैम्पू वैम्पू सब कर दिया ना, एकदम चकाचक गाइस। अब लग रही है ना गोवा में चलने के लिए। ओके सो मैं जा रहा हूँ ओरा बीच। तो एक चीज़ बता दूँ, जब भी आप गोवा में रेंट पे कोई भी व्हीकल लो, आप सारी वीडियो फोटोज प्रॉपरली लो। आपकी गाड़ी पे एक भी स्क्रैच होगा ना, दिल ब्लेम यू एंड दिल रियली रिप यू। ये कोई स्कैम तो ऐसी चीज़ नहीं है, दे आर जस्ट केयरफुल अबाउट देयर कार्स एंड बाइक्स। पर अब इसको आप स्कैम बोलो या कुछ भी बोलो, ठीक है रूट तो सही था अपना। एंड मैंने सोचा आप लोगों के साथ मोटो व्लॉग करूं, थोड़ा वैगाटोर साइड दिखाऊं। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, एक बंदे ने मुझे बोला, आई फॉरगॉट हिज नेम, सॉरी ब्रो इफ़ यू आर लिसनिंग टू दिस व्लॉग यू नो। उसने सिंपल बोला, हम 10 जन भी आपको देखेंगे ना हम खुश है, क्योंकि हम लिटरली टीवी पे साथ में मिल के आपका व्लॉग देखते हैं प्लान बना के। आई मीन इससे बड़ी खुशी लाइफ में कुछ नहीं। लिटरली आई फील लाइक अ डायरेक्टर, यस आई एम अ डीओपी, बट देन आई एम लाइक, अब मुझे ये इंस्पायर करता है कि मैं और अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ। डीमोटिवेशन सबको होता है, बड़े से बड़े व्लॉगर छोटे से छोटे सबको होता है, बट आई थिंक दिस गॉट मी गोइंग ऑन। एंड ये बहुत अलग सा GPS ऑन हो गया है जो मेरे फ्रेंड ने मुझे शेयर किया है, के व्लॉग में उन्होंने शूट किया था वो, आप देख लो। इट इज सो लाउड दैट एवरी वन इन गोवा इज लाइक डूड व्हाट बाइक यार। सुपर मीटियोर अभी भी इतनी हाईलाइट नहीं हुई है जो मैं सोचा था। मैं सोचा सब जगह होगी, पीपल नो अबाउट इट, बट व्हेन दे सी इट दे हियर इट, व्हेन दे हियर इट व्हेन दे सी इट दे गेट टू नो इट। और एक चीज़ मुझे और अच्छी लग रही है, यहाँ हर बहुत सारी लड़कियाँ स्कूटी ले रही है एंड दे आर राइडिंग एंड आई एम लविंग दैट, दैट इज़ अ ग्रेट फीलिंग। और पता है यहाँ पे जब मैं जैसे ही बोलता हूँ व्लॉगर हूँ, मतलब सबसे पहला सवाल क्या आता है, कितने सब्सक्राइबर। आई एम लाइक मैं गरीब व्लॉगर हूँ, मेरे सिर्फ 1.5 लाख सब्सक्राइबर है। दिले को वो मेरे 2-3 दोस्त हैं, उनके मिलियन हैं, 6 लाख है 8 लाख है, तो भाई लोग सब्सक्राइब कर दो अभी तो, लाइक इट्स इम्पॉर्टेंट। यिक्स, अब तो मतलब है ना भाई, गोवा के इतने ब्रोकन रोड्स पे चला लिया ना, ये सब कुछ नहीं है मेरे लिए। मैं तो मुझे लगता है मैं लद्दाख लेके जाने वाला हूँ इस बाइक को। और हम पहुँच चुके हैं ओरा की पार्किंग में। ये महिलाएं हमें मिली है, कैसे हो? व्हाई हेलमेट 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 देन अच्छा अच्छा क्या हुआ बोलना, लाइव कैमराज ऑन। हाँ हाँ अच्छा, बेवड़ा मारा, हाँ दारू पिया हुआ है तो हाँ। वैसे भी उसने पिया कहाँ है यार, उसने कहा कुछ भी नहीं पिया है, पियला कर रहे लोग। देखो गोवा हो ना तो समझ आ गया। ले आना ब्रो, आप कैमरा पे अभी स्माइल तो करो। आपका नाम सागर। सो सागर भाई ने हमको पार्किंग तो दे दी, सागर भाई ने सनग्लासेस और एकदम मतलब लुक वुक दिया हुआ है, पर 50 रुपये चार्ज किया, नो प्रॉब्लम। चलो सागर भाई को हम खुश करते हैं 50 रुपये दे के। ओफ गरम या वो उधर पहुंच गया। ओके गाइस हम पहुंच चुके हैं अंजुना भी, बस यहाँ पे इश्यूज हैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल है, सो आप देखेंगे कि लाइक नो वन विल क्रॉस दिस पार्ट ऑफ द होल बीच। अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा एक सीन सैड है, तो कल आपके बड़े के भैया स्विमिंग पूल में स्विम करने वाले हैं। पूरी कहानी आपको बाइक के सामने बताता हूँ। एंड फिलहाल तो नेक्स्ट डे है एंड मेरा डेबिट कार्ड क्लब में रह गया। लकीली द बारटेंडर मैसेज मी एंड ही न्यू आई एम अ व्लॉगर। जब हमारी बातचीत हुई थी तो ही मैसेज मी और इंस्टाग्राम की आपका कार्ड यहाँ रह गया है, डोंट वरी इट्स सेफ। सो लिलीपुट गए थे एंड थैंक गॉड द कार इज सेफ। सेकेंड बाइक गिर गई, उसके बारे में आपको सब बताता हूँ। कहानी सनग्लासेस यार, यहाँ पे ना गोवा में आपको सब चीज़ ख्याल से रखना पड़ेगा। आपके सनग्लासेस भी फ्लिक हो जाएंगे, आप वॉशरूम से वापस आओगे टेबल से गायब, एंड
मैंने अब भी वो 4,000 के लिए थे। अब दिस आई कांट अफोर्ड टू लूज, दिस इज रियली गुची मैन एंड ये बोरोड है अभी फिलहाल फ्रेंड का। सो चलते हैं, आपको सारी कहानी बताता हूँ। विद दैट सेड, कैसी है मेरी जनता जनार्दन, अनदर डे जाते हैं मैंगो ट्री, थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। ओके गाइस, सो मैंने सोचा नहीं था कि सुपर मीटियोर गिरेगी क्योंकि क्रूजर है इसको, मैं एडीवी की तरह नहीं चलाता, आप देख सकते हो यार ये पैनियर्स है ना, क्या बताऊँ, पूरी बाइक गिरी है लिटरली दो बार गिरी है। बट यस, गिरी मड में है क्योंकि जो मड था आप देख सकते हो स्टैंड पे, लिटरली इतना डीप मड था, पता नहीं गूगल ने वो मैप क्यों दिखाया हमें वैगतौर से आते वक्त। देन मैंने मेरे फ्रेंड को बोला भी कि राइस पैडी के बीच में से हम क्यों जा रहे हैं, ये कुछ गड़बड़ है। उसने कहा वही दिखा रहा है मैप, वी गोइंग एंड वी फेल, और भाई साहब इतनी हैवी लगी बट उठा ली हमने पैनियर्स। आप टायर में भी देखो पूरा मड लगाओ, देख सकते हो आप कितना प्रॉपर मड में से निकली है, ये देखो पूरा यहाँ तक भर गया था, ये देखो पूरा धस गया था। एंड लिटरली मैंने लाइक यू कैन से यहाँ तक मड था लिटरली। इसका तो मैंने अभी साफ़ किया है एग्जॉस्ट का क्योंकि मैं चाहता नहीं था इसमें जाए, और ये सीन था आप देखो पूरा, ये देखो सब पूरा मड भरा हुआ है, गेट इट। सो इस साइड गिरी एक बार और दूसरी बार इस साइड गिरी, देखो यहाँ भी है इतना डीप मड था, बट समहाउ वी मैनेज्ड एंड यू नो गॉट इट आउट फ्रॉम द होल थिंग। देखो फुटपैक भी पूरे अंदर चले गए थे मड में, बट इट्स सॉर्टेड एंड पोटेंशियल पता चल गया। बट यार पैनियर्स मोटो है मानना पड़ेगा यार, पूरे अंदर धस गए थे, थोड़ा बहुत क्लीन किया मैंने, एजेस नहीं कर पाया हूँ तो भी फिर से धुलाएंगे और कोई चॉइस नहीं है। हेलमेट इज़ फाइन, जस्ट अ बिट ऑफ स्क्रैच हियर, सो दैट इज सॉर्टेड। सो आज वैसे हमारे साथ हमारी दोस्त है जिसका पैर जला है, जो मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा करके सोलो राइडर ही हूँ। एंड गलती ना उसकी थी ना मेरी थी, एक ख़राब रास्ते की थी जिसके वजह से उसका पैर जल गया। एंड गाइस बाय द वे, उसका पैर जला भी कैसे, शी डिडंट कम अंडर द बाइक, हाँ वो ओवर द बाइक थी और उसने अपना पैर सिर्फ रखा पाइप पे क्योंकि उसको ध्यान नहीं था कि उससे पैर जल सकता है। सो उसको दैट्स हाउ इट गॉट, नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ। आई शुड ऑल्सो थैंक दी स्पैनियर्स बिकॉज बाइक पूरी तरह से ऐसे क्रैश नहीं हुई, और वो बहुत ज़्यादा सॉइल था, आपको दिख रहा है ऐसा सॉइल था वो, इससे भी ज़्यादा, लिटरली मेरी बाइक पूरी धस गई थी। एंड इट वॉज मेरे हिसाब से एक राइस पैडी था। मैंने वापस टूवर्ड्स अंजुना जाने की ज़रूरत की, वो जगह ढूंढने की वीडियो करने के लिए, ऐसा कुछ था, इससे भी वर्स था वो। एंड कुछ भी करना गाइस, इस बार गोवा जब भी बाई लेन्स अगर आपको गूगल दिखा रहा है आप देख लेना, बिकॉज नाउ डेज दीज गाइज आर पुटिंग दीज रेड कलर, ये तो ब्रिक है, ये स्टोन्स है, ऐसी चीज़ें, ये गोल गोल कुछ मड टाइप है जो ये लोग बाई लेन्स में डाल रहे हैं, जैसे अगर ये बाई लेन है तो इसको भर देंगे उससे, अब उसकी क्या रीज़न है वो मुझे नहीं पता। तो ये हादसा अच्छा नहीं था जिसके वजह से हमारी फ्रेंड भी थोड़ी स्लो हो गई, बट एक चीज़ अच्छी है, हर रिकवरी इज़ फास्ट। सो समवन वांटेड टू हियर माय बाइक, ही इज़ हियर, ओमकार, व्हाट्स अप? सो आई मेट हिम, ही इज़ फ्रॉम पुणे, व्हाट्स अप? एंड पुणे कड़ी हम वापस पुणे जा रहे हैं, आई वाज टेलिंग हिम ही इज़ विद हिज फैमिली चिलिंग हियर। अभी बारिश हुई तो सब कुछ अपने आप साफ हो गया एंड फाइनली आई एम बैक। सीन सिंपल है, थक गए हैं, कल रॉयल एनफील्ड गैराज कैफे जाऊंगा सर्विस के लिए, सारा चीज़ कैप्चर करूंगा क्या प्लान है कैसा है, और जो लाइट आ रही थी फ्यूल पंप की वो जा चुकी है। The next day. अब तक की कहानी तो आप लोग को शायद अच्छी लग रही होगी, आई होप सो। और आज की कहानी बहुत सिंपल है, रॉयल एनफील्ड गैराज कैफे जा रहे हैं, सारा सामान लैपटॉप भी लेके, क्योंकि वहाँ जाके हम करेंगे एडिट और बाकी बातें वहाँ पे। जैसे ही आपको रॉयल एनफील्ड दिख जाएगी लाइनअप में, और अपना GPS भी सही चल रहा है बॉस, चलो अब सर्विसिंग के लिए देते हैं बाइक। मैंने ऑलरेडी कॉल तो कर दिया है सर्विस सेंटर में, अपना तो ये समझो सेकंड होम है। बहुत बहुत हंटर की इतनी डिलीवरीज है यहाँ पे, पूछो मत। और ये मेरी फेवरेट जगह है थाली की, आज शायद बंद होगा या लग तो रहा है बंद है, देखते हैं। और इस सर्विस एंट्री की एंट्री पीछे से है, मेरे को मेरे बॉक्सेस का टेंशन है, बस निकल तो जाएगी बट थोड़ा सीधा करके करना पड़ेगा मुझे। अब क्या पैनियर्स आ गए ना, देखना पड़ता है।
सर्विसिंग। तो बाइक हो गई है पूरी सर्विस्ड, ओके एंड वेरी स्वीट ऑफ देम, इन्होंने प्लास्टिक लगाया इस पर। एक अपग्रेड आप लोग को बता दूं, जो बाई डिफॉल्ट हो रहा है रॉयल एनफील्ड की तरफ से, इज़ द कैप फॉर बोथ द स्पार्क प्लग्स। ये अब एक नए टाइप का है जिसमें मॉइस्चर नहीं आता है, दिस इज बिन रिप्लेस्ड बाई देम। उसके अलावा सबसे मोटा खर्चा मेरा हुआ है डिस्क पैड्स का। बेसिकली मेरी ब्रेक पैड्स ख़त्म हो चुके हैं, ओनली 10% बैलेंस है। इसमें 25% है जिसकी वजह से आई डोंट नो, अगर आप देख सकते हो तो मुंबई तक चल जाएगी, पर वो बुरे हाल में थी। 3,500 के आसपास का कुछ बिल बना है। बाइक चमक गई है। ऑल्सो मैंने केबल का रीरूटिंग कर लिया है जिप टाई लगा के, बट आई थिंक आई विल गो बैक टू स्टॉक विद राइजर्स। अगर कोई राइजर बनाती है कंपनी सो लेट मी, बिकॉज मैंने क्लच केबल चेंज किया है। बट आप शॉक्ड हो जाओगे, क्लच केबल सिर्फ 250 रुपये का है। सो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। ब्रेक पैड्स आर एक्सपेंसिव बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू राइडिंग सच अ हैवी मोटरसाइकिल। सो ब्रेक्स पे बिंदास खर्चा करो। अब आगे का भी मैं करूँगा मुंबई जाके, बट अदरवाइज एवरीथिंग इज़ गुड। इस बाइक कंडीशन सब सही है। जो मेरे को हैवीनेस फील हो रहा था, दैट वॉज अ लेस PSI। एक शॉकिंग चीज़ है, मैं 32-34 PSI फ्रंट व्हील पे चल रहा था, बल्कि यू नीड एटलीस्ट 41। एंड इफ़ यू आर डूइंग पिलियन राइडिंग देन यू कैन बी एट 36। सो ये एडवाइस अच्छी मिल गई हमें यहाँ पे। और मैडम खाने भी लग गई। हाउज़ द फिश? गुड, टोल्ड यू इट्स डैम गुड। और ये है मोरी थाली, सो अब करते हैं स्टार्ट। रॉयल एनफील्ड गैराज कैफ़े के एकदम बाजू में, काफ़ी लोगों को पता है, यहाँ पे एक आंटी है जो फ़िश थाली बनाती है। अगर आपको मोरी फिश पसंद है या चौड़ा, जो मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, विच इज़ अ बिट लाइक रावस, सो दैट्स कमिंग इन। तो अब हम ये खाने वाले हैं और एक्सप्लोरिंग चालू हो चुका है। मैं आपको ये जगह लिटरली, ये रहा आपका गैराज कैफ़े की वॉल रॉयल एनफील्ड, एंड यू आर राइट हियर। That's it. I hope you guys liked today's vlog, and if you did, you know what to do. Thumbs up button, subscribe as usual. Eat well, sleep well, be good. Signing off, ride with Raj.